हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महादेव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पिंग मोबाइल 99 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए, आज के इस वीडियो में फोल्डर किस तरह लगाया जाता है वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे। इस तरह फोल्डर लगाने से कभी आपको नुकसान नहीं होगा, ना कभी डिस्प्ले में लाइनिंग आएगा, ना टच कभी इधर उधर काम करेगा। एकदम अच्छा से डिस्प्ले लगाने आपको बता रहे हैं। पहले डिस्प्ले का फ्रेम को आप किनारे किनारे साफ करें। सारा गोंद जितना भी है काला काला, पहले से भी इसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ था, वो डिस्प्ले रिप्लेस हुआ, फूट गया था। उसके बाद से ये डिस्प्ले आपको दोबारा लग रहा है इसमें, उसीलिए इसको फ्रेश करें। पहले पूरी तरह से फ्रेश करें ताकि इसमें डिस्प्ले बैठने में दिक्कत ना हो। देखिए मेरा फ्रेश हो गया, हम पहले से भी फ्रेश किए थे। अब इस ट्रिक से कोई भी एंड्रॉयड सेट में फोल्डर सेट कर सकते हैं बिना रिक्स का। ना डिस्प्ले भी मतलब फोल्डर भी बैठ जाएगा अच्छा से कुम्बो, और दिक्कत भी नहीं करेगा। फोल्डर तो महंगा आता है, इसमें रिक्स है, इसलिए अच्छा से इसको बैठाना चाहिए। कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। तो कस्टमर को पैसा लगता है, तो अच्छा से नहीं लगाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए अच्छा से लगाना ज़रूरी है। इसे आप देख के सीखे कुछ भी। देखिए एक कॉम्बो है, कॉम्बो में पहले लगा ले गोंद, फ्रेम में गोंद नहीं लगाए। गोंद लगाने का तरीका यही है कि आप डिस्प्ले किनारे किनारे गोंद लगाएं। प्लास्टिक को उजाड़ लें। कोई चीज ब्लेड से उसको उतार सकते हैं। देखिए ब्लेड से उछड़ गया। अब इसमें गोंद यूज करें, बाजार में मिलता है गोंद कॉम्बो के लिए स्पेशल, आप ले लें। डिस्प्ले के किनारे किनारे अब गोंद को लगाएं, क्योंकि तो हल्का हल्का पूरा नहीं तो दिक्कत होगा फिर अगला बार खोलने में। देखिए हम किस तरह लगा रहे हैं। इसी ट्रिक से अब वो कॉम्बो को लगाएं, कभी आपको नुकसान नहीं कर भरना पड़ेगा, और कॉम्बो का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होगा इस ट्रिक से। नीचे तरफ नहीं लगाएं, नीचे तरफ सेट करने के बाद लगाएं ताकि दिक्कत ना हो। चारों तरफ गोंद लगा ले पहले, नीचे छोड़ के नीचे लगाने का ट्रिक्स ऊपर से है। इस ट्रिक से आप कोई भी सेट में, न्यू सेट रहे, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी मॉडल रहे, इसमें आप कॉम्बो इस ट्रिक से लगा सकते हैं। ये गोंद लग गया। गोंद लगने के बाद से थोड़ा सूखने दे हल्का सा, एक 10-20 सेकंड, 1 मिनट तक। फिर कॉम्बो को पहले आगे तरफ सेट करें। देखिए सेट हो गया, फिर लगा दें। लग गया। लगाने के बाद से अभी बहुत काम बाकी है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको फोल्डर कॉम्बो लगाने का वीडियो समझ में आएगा कि किस तरह लगाया जाता है। फोल्डर बोले या कॉम्बो बोले एक ही होता है दोनों।
देखिए सेट हो गया, अब इसको बैटरी लगाते हैं, जल्दी से इसको सेट करते ताकि गोंद सूख ना जाए। गोंद सूखने से पहले इसको सेट करना है, गोंद स्क्रू कस लें पहले, सारा स्क्रू कस लें ताकि डिस्प्ले कनेक्शन लूज ना हो जाए। उसको कसने के बाद से सेट करें, देखिए सेट हो गया कॉम्बो। अब इसमें गोंद मारें, आप गोंद मार दिए, नीचे तरफ गोंद मारना है आपको हल्का हल्का, देखिए वहीं पर दिखा रहे हैं। नीचे तरफ गोंद मारना ज़रूरी है, इसका नीचे का फ्रेम भी टूटा हुआ था उसके लिए हम ऊपर से गोंद मार रहे हैं। अब इसमें रबड़ मार लें, देखिए वहाँ भी रबड़ लगाना है, बीच में भी लगाना है, ऊपर में भी लगाना है, और दो नीचे के। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको समझ में आए किस तरह लगाया जाता है। रबड़ मारने के बाद से रबड़ को तुरंत नहीं खोलें, 2 घंटा बाद रबड़ खोलें, तब इसका फिनिशिंग फिर देखिए किस तरह होता है। मेरा वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।